हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स वर्ल्ड। आप सभी जानते होंगे कि हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के द्वारा सेकंड टर्म के एग्ज़ाम मार्च में कंडक्ट किए जाएंगे और ये एग्ज़ाम 9th से लेकर 12th क्लास तक होंगे। लेकिन अभी भी बच्चों को इस बात को लेकर कन्फ्यूज़न है कि सेकेंड टर्म में किस किस यूनिट को कवर किया गया है और किस किस यूनिट में कौन कौन सा लेसन कवरअप है। और इसके साथ साथ कोरोना के कारण इन यूनिट में से किस लेसन में से किस टॉपिक को डिडक्ट किया गया है, आज हम इसके ऊपर डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम अपने गूगल क्रोम पे जाएंगे और वहाँ पर HP बोस टाइप करेंगे तो हम देखते हैं कि हमारे पास हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की साइट खुल जाती है। फिर हम वहाँ पर डाउनलोड में जाएंगे और उसके बाद सिलेबस को क्लिक करेंगे तो हम देखते हैं कि हमारे सामने 9th, मैट्रिक, +1 और +2 में जितने भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं उन सब की डिटेल दी गई है। आज हम +1 के अकाउंटेंसी सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे तो हम सिलेबस फॉर अकाउंटेंसी को क्लिक करेंगे और इस फाइल को डाउनलोड करेंगे। फाइल को डाउनलोड करते ही हम पाते हैं कि हमारे सामने सेकंड टर्म में आने वाला सिलेबस दिया गया है तो हम देखते हैं कि इसमें यूनिट 4, 5, 6, 7, 8, 9 यूनिट कवरअप है। अब हम 1 by 1 इन यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सेकंड टर्म में 4th यूनिट दी गई है जो कि ट्रायल बैलेंस एंड रेस्टिफिकेशन ऑफ एरर से रिलेटेड है तथा इसमें ट्रायल बैलेंस और एरर एंड रेस्टिफिकेशन से रिलेटेड लेसन कवर किए गए हैं। 5th यूनिट है हमारे पास डेप्रिशिएशन प्रोविज़न एंड रिज़र्व, इसमें डेप्रिशिएशन, रिज़र्व और प्रोविज़न के लेसन कवर किए गए हैं। 6th यूनिट है हमारे पास अकाउंटिंग फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज, इसमें बिल ऑफ एक्सचेंज का लेसन कवर किया गया है। सेकंड पार्ट की बात करते हैं तो उसकी जो हमारी 7th यूनिट है वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसमें प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट को शामिल किया गया है। हमारे पास जो 8th यूनिट है वो है कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, इस यूनिट में कंप्यूटर इन अकाउंटिंग तथा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम को शामिल किया गया है। हमारे पास जो 8th एंड लास्ट यूनिट है वो है अकाउंटिंग एंड डाटाबेस सिस्टम्स। अब हम बात करेंगे कि कोरोना के कारण HP बोर्ड के द्वारा इन यूनिट में से किस किस सिलेबस की को डिलीट किया गया है। जब हम ध्यान से देखते हैं तो हम पाते हैं कि यूनिट नंबर 4th जो कि ट्रायल बैलेंस और रेस्टिफिकेशन एरर से रिलेटेड है उसमें से किसी भी कंटेंट को डिलीट नहीं किया गया है। 5th यूनिट की बात करते हैं तो उसमें वह डेप्रिशिएशन प्रोविज़न और रिजर्व से रिलेटेड है तथा उसमें से भी किसी भी सिलेबस के पार्ट को डिडक्ट नहीं किया गया है। हम नेक्स्ट 6th यूनिट की बात करते हैं वो अकाउंटिंग फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज एंड ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है, इसमें एंडोर्समेंट, रिटायरमेंट, रीन्यूअल्स ऑफ बिल डिस्काउंटेड ऑन डेटर्स के जो कंटेंट हैं वो डिलीट किए गए हैं। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की और उसकी जो यूनिट है वो 7th यूनिट है और ये यूनिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है, इसमें प्रोविज़न फॉर मैनेजर्स कमीशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ फाइनल अकाउंट्स को डिलीट कर दिया गया है। अब बात करते हैं 8th यूनिट की जो कि कंप्यूटर इन अकाउंटिंग से रिलेटेड है, इसमें MIS अर्थात मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम,
रिपोर्टिंग डाटा एक्सचेंज विद अदर इंफॉर्मेशन सिस्टम टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर रेडीमेड्स कस्टमाइज टेलर मेड्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कैश टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर को डिलीट किया गया है। अकाउंटिंग एंड डाटाबेस सिस्टम में से किसी भी कंटेंट को डिलीट नहीं किया गया है। अब हम बात करते हैं कि किस यूनिट में से कितने कितने नंबर का पेपर आएगा। तो फर्स्टली हम चलते हैं अपनी फोर्थ यूनिट जो कि ट्रायल बैलेंस एंड रेस्टिफिकेशन ऑफ एरर से रिलेटेड है। जब हम ध्यान से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इस यूनिट में से चार क्वेश्चन एक एक नंबर के आएंगे और इसके साथ ही एक क्वेश्चन जो है वो दो नंबर का आएगा और एक क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकली तीन नंबर का आएगा। अर्थात इस यूनिट में से आपका नौ नंबर का पेपर कवर अप होगा। अब बात करते हैं फिफ्थ यूनिट की जो कि डेप्रिसिएशन और प्रोविजन एंड रिजर्व से रिलेटेड है। इसमें से आपको थ्योरी आएगी और न्यूमेरिकल्स आएगा जो कि डेप्रिसिएशन से रिलेटेड होगा और इसमें से 10 नंबर का सिलेबस कवर किया जाएगा। अर्थात आप या ट्रायल बैलेंस एंड रेस्टिफिकेशन एरर के पार्ट में से या डेप्रिसिएशन एंड प्रोविजन के पार्ट में से किसी भी पोर्शन को कवर अप कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम अकाउंटिंग फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज। इसको जब हम ध्यान से देखते हैं तो इसमें से भी आपको चार क्वेश्चन एक एक नंबर के आएंगे और एक क्वेश्चन जो है वो दो नंबर का आएगा और एक क्वेश्चन तीन नंबर का आएगा। सात नंबर का पेपर इस यूनिट में से कवर अप होगा। और अगर हम बात करें बिल ऑफ एक्सचेंज की तो इसमें से भी आपको एक एक नंबर के दो क्वेश्चन आएंगे जो कि थ्योरेटिकल होंगे। और अब बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से आपको चार क्वेश्चन एक एक नंबर के आएंगे, दो नंबर का आपको एक क्वेश्चन आएगा और तीन नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और चार नंबर का भी आपको इस यूनिट में से एक क्वेश्चन आएगा जो कि न्यूमेरिकल होगा और ये यूनिट टोटल पेपर का 30 नंबर का पेपर कवर अप करेगी। तो आपने देखा कि एचपी बोर्ड के द्वारा सेकंड टर्म का जो एग्ज़ाम लिया जाएगा उसका सिलेबस क्या है और उसमें से किस सिलेबस की डिडक्शन की गई है, साथ ही किस किस यूनिट में से आपको कितने कितने नंबर का पेपर आएगा। मुझे आशा है कि आप आने वाले पेपर की इस ढंग से तैयारी करेंगे और इन पेपर में अच्छे नंबर हासिल करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।